रांची डोगरा एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। अब आज के कुछ मुख्य समाचार। साल उम्र की नौकरानी दिखाती थी बच्चे को अश्लील वीडियो, साकिना का पुलिस ने किया गिरफ्तार, देखिए। बच्चों की देखभाल के लिए बहुत से माता पिता उन्हें दाई के भरोसे छोड़कर अपने काम पर चले जाते हैं। कई बार बच्चों के लिए ये एक बुरा अनुभव साबित होता है। मुंबई में ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां एक 22 साल की दाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि उसने 9 साल की बच्ची को कई बार जबरन पॉर्न वीडियो दिखाए। साकिना का पुलिस का कहना है कि पीड़ित बच्ची के माता पिता, खास तौर पर मां ने बच्ची के व्यवहार में पिछले 15 दिनों के दौरान बदलाव महसूस किया। जनवरी में परिजन ने 22 साल की एक युवती को अपनी गैर मौजूदगी में बच्ची की देखभाल के लिए काम पर रखा था। अक्सर उत्साहित और जिंदा दिल दिखने वाली बच्ची को जब मां ने परेशान और अंतर्मुखी होते देखा तो उन्होंने बच्ची से कई बार जानने की कोशिश की, लेकिन मासूम के बर्ताव में कोई बदलाव नहीं दिखाई दिया। पुलिस में दर्ज अपनी शिकायत में परिजन ने कहा कि यह तब तक जब वे लोग घर पर रहते थे, तभी बच्ची ज़्यादा से ज़्यादा एकांत में रहना चाहती थी। उन्होंने बताया कि बच्ची से जब भी उसकी तकलीफ के बारे में पूछा जाता तो वह हाँ या ना में जवाब दे देती, हालांकि ज़्यादातर मौक़ों पर वह चुप ही नज़र आती थी। बच्ची के व्यवहार में अचानक हुए बदलाव से चिंतित मां ने एक बार फिर 26 अप्रैल को उसकी परेशानी के बारे में पूछा। परिजनों ने यह भी पाया कि बच्ची की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है और उसे काफ़ी मुश्किलें आ रही हैं। बार बार पूछने पर आखिरकार एक दिन बच्ची टूट गई और उसने बताया कि घर में रहने वाली दाई उसे अपने फ़ोन में बार बार फोन दिखा रही है। मासूम ने बताया कि पिछले दिनों जब वह लोग काम पर गए हुए तो दाई ने उसे लगातार अश्लील वीडियो देखने पर मजबूर किया। साकिनाका पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर अविनाश धर्माधिकारी ने हमारे सहयोगी अखबार मुंबई मिरर को बताया कि दाई ने 27 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया है और 2 मई तक के लिए उसे पुलिस रिमांड में भेजा गया है। युवती के मोबाइल फोन को जब्त कर लिया गया है और उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भी भेजा गया है। नौ साल से पति पत्नी के बीच यौन संबंध ना होने पर हाईकोर्ट ने खारिज की शादी, दिखे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 9 साल पुरानी एक शादी को अमान्य घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर निवासी पति पत्नी शादी के दिन से ही कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। महिला का दावा है कि शख्स ने उसे धोखे से खाली कागज पर हस्ताक्षर करा लिए। महिला ने मांग की थी कि शादी को रद्द कर दिया जाए, जबकि व्यक्ति ने इसका विरोध किया। जस्टिस मृदुल भटकर ने कहा कि उन्हें धोखाधड़ी से कोई सबूत नहीं मिले, लेकिन फिर भी दोनों की शादी को अमान्य घोषित किया जाता है क्योंकि दोनों के बीच में शारीरिक संबंध की पुष्टि नहीं हुई है। अपना फैसला सुना हुए जस्टिस भटकर ने कहा कि दो पक्षों के विवाह को अहम उद्देश्यों के नियमित रूप से शारीरिक संबंध होना शामिल है। अगर उनके बीच किसी भी तरह का सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं है तो ऐसी शादी को औचित्य नहीं है। जस्टिस ने कहा कि अगर दंपति के बीच एक बार ही सेक्स हुआ है तो ये शादी के अमान्य होने की बराबर है। जस्टिस ने कहा कि वर्तमान में दोनों पक्ष एक दिन भी साथ नहीं रहते हैं तो पत्नी की तरफ से कोई भी सबूत नहीं है, और ये दावा करे कि दोनों के बीच में यौन संबंध बने हैं, ऐसे में ऐसे सबूत के अभाव में महिला शादी को अमान्य घोषित करने का केस दर्ज कर सकती है। पति ने दावा किया है कि दोनों के बीच शारीरिक संबंध रह चुके हैं और यहां तक कि महिला गर्भवती भी हुई थी, लेकिन प्रेगनेंसी टेस्ट की पुष्टि करने वाले किसी स्त्री विशेषज्ञ को सबूत वह पेश में असमर्थ रहा है। कोर्ट ने कहा कि दंपत्ति को अपने अपने मतभेदों को दूर करने की सलाह भी दी गई है, लेकिन यह फेल रही है। जस्टिस भटकर ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच संबंध बेहद खराब है, दोनों एक दूसरे के सिर्फ आरोप ही लगा रहे हैं, इससे दोनों के 9 साल भी बर्बाद हुए। इस तरह का व्यवहार आने वाले कल पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, इसलिए वह विवाद पर शादी विवाह विशेष अधिनियम के तहत मान्य नहीं हो सकती है। मामला 2009 का है और उक्त याचिकाकर्ता 21 और पुरुष 24 साल का है। महिला के अनुसार शख्स ने उसे खाली कागजात में धोखे से साइन करा लिए। उसके बाद महिला को रजिस्ट्रार के पास ले जाया गया और लेकिन तब भी वह महसूस नहीं हुआ कि शादी के कागजात थे। जब वह उसे वाक्य मालूम हुआ तो उसने शादी को रद्द किए जाने की याचिका दायर कर दी। संत गुड़ोजी महाराज की जयंती पर प्रतिमा पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ, देखिए रिपोर्ट। Thank you.
नवी मुंबई महानगर पालिका की ओर से संत तुकड़ोजी महाराज की जयंती के अवसर पर महापालिका के मुख्यालय में एमपी थिएटर के महापौर श्री जसवंत सुतार, उप महापौर श्रीमती मंदाकिनी महात्रे, इनके शुभ हाथों से प्रतिमा पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस समय स्थायी समिति के सभापति श्रीमती शुभांगी पाटिल, एफ विभाग समिति अध्यक्ष व समाज कल्याण समिति सभापति श्रीमती अनिता मानतकार, अतिरिक्त आयुक्त श्री अंकुश चौहान, वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर दयानंद कटकरे और कर्मचारी उपस्थित थे। तो ये दिन भर की कुछ खास खबरें मेरे यानी एसबी डोगरा के साथ। दिख रहे एसबीटी न्यूज, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।